बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रूज और कुक विद रूज में आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं भी आप लोग की दुआओं से खैरियत से हूँ। आज हमारे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा टिंडे गोश्त का सालन, तो बिना देर किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने अंडिया को चूल्हे पर रख लिया और उसके बाद डालेंगे इसमें एक कप के करीब कुकिंग ऑयल। आपके किचन में जो भी यूज़ होता है आप वो ले लीजिएगा। एक किलो गोश्त लिया है मैंने बीफ का, अच्छे से वॉश कर लिया था गोश्त को पहले से। गोश्त को हम ऑयल के अंदर डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर मैंने अच्छा एक चाय का चमचा ज़ीरा भी डाला है। ज़ीरे और ऑयल के साथ अच्छे से 2 से 3 मिनट तक गोश्त को फ्राई करेंगे। साथ में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हम 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे ताकि गोश्त के अंदर जो भी महक रह गई हो वो ख़त्म हो जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद इसमें शामिल करेंगे 4 अदद मैंने प्याज ली है, 3 अदद टमाटर लिए हैं, उसको पेस्ट बना लिया है और उसको ग्लेंड करके गोश्त के अंदर शामिल कर लिया है। अब यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से मसाले। मसालों में मैंने ली है लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया और हल्दी। लाल मिर्च लिए 1 खाने का चमचा, 1 खाने का चमचा धनिया पाउडर, 1 चाय का चमचा हल्दी और नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत। सारे मसालों को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसको कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि बीफ का गोश है 20 से 25 मिनट अमूमन लग जाते हैं इसमें। और 20 से 25 मिनट हो गए हैं, आप गोश्त को चेक कर लेते हैं। देखिए सारा रोगन ऊपर आ गया, इसका मतलब मसाला हमारा भुनाई पर आ गया। सालन की कर लेंगे अच्छे से भुनाई 7 से 8 मिनट के लिए, अच्छे से इसको भुनेंगे ताकि अच्छे से खुशबूदार सा मसाला पक के तैयार हो जाए। तो यहाँ 7 से 8 मिनट हो गए, आप देख रहे होंगे सारा रोगन मसाले के ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज के बाद यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 किलो हमने टिंडे लिए हैं। टिंडे को बीच में से बस 2 पीस किए हैं मैंने। 4 कप इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छे से इसको गला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि टिंडे अच्छे से गल जाए। दस मिनट हो गए और टिंडे भी अच्छे से गल गए हैं। तो लास्ट में इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला और गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा टिंडे गोश्त तैयार है। ये मैंने अपने सुसर के लिए बनाया है। मेरे सुसर को टिंडे गोश्त का सालन बहुत पसंद है, वो शोरबे वाला सालन बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनकी उम्र दराज करे, उनका साया हमारे सर पर हमेशा इसी तरह सलामत रखे, आमीन सुम्मे आमीन। और बनाएगा इंशाल्लाह, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।